सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप बिल्कुल बढ़िया हूं दोस्तों। मेरा नाम शबाज और आप देख रहे हैं शबु। सो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मतलब गाइस M1887 से वन टैप कैसे मार सकते हो, वो भी गाइस अपने एंड्रॉइड फोन में। ओनली M1887 चाहो तो आप उसके उस ट्रिक के साथ और भी कई सारी गन के साथ वन टैप मार सकते हो गाइस। सो गाइस, वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। वीडियो को अगर आप स्किप करते हो तो आपके समझ नहीं आएगा, इसलिए गाइस रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को एकदम लास्ट तक और फुल वॉच करना। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को और पे जरूर सेट। सो गाइस, ऐसी वीडियो जो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो गाइस, चलिए हम आपको बताते हैं गाइस आपको वन टैप मतलब कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है। सो गाइस, ट्रेनिंग जो यहाँ से स्टार्ट कर लेना है आपको। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है M1887 ले लेना है, या फिर आप कोई सी भी गन को शो करना। तो मैं M1887 ले रहा हूँ। कैसे खेल लें तो इसके वन टैप के लिए आपको एक लेफ्ट फायर बटन जो है हमेशा ओपन करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप मतलब गाइस फर्स्ट स्टेप बताने वाला हूँ, लेफ्ट फायर बटन आपको हमेशा ओपन करना पड़ेगा। तो गाइस, आपको जो लेफ्ट फायर बटन का वन टैप से कर लेना। तो मैं आपको बता दूँ गाइस, तो जब भी मतलब आप ड्रैग करोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने लेफ्ट वाले फायर बटन पर वन फिंगर जो क्लिक करनी है, फिर एकदम से वन फिंगर मतलब ड्रैग कर देना। आप नहीं रुकेगा मतलब बॉडी पे नहीं चिपकेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, चाहे आप लेफ्ट फायर बटन राइट फायर बटन एक साथ दबाओ तो आपको तो पता ही कितनी सेंसिटिविटी जो बढ़ जाएगी और आप ये यूज़ कर सकते हो। मैं भी गाइस यही यूज़ करता हूँ, आपको मैं बेकार में झूठ बोलूँ यही यूज़ कर लेता हूँ। M1887 से यूज़ करता हूँ, लेकिन आप चाहो तो ड्रैग कितनी भी यूज़ कर सकते हो। असेंबली में काम करेगी, बिल्कुल करेगी अगर आप इसके साथ प्रैक्टिस कर लेते हो तो। अच्छे आपको क्या करना है गाइस, इसका जो लेफ्ट फायर बटन है वो कॉर्नर में लगाना है इस तरीके, जहाँ हमारा मेरा रिमोट का सेक्शन है इस तरीके में यहाँ लगाना है। जो कि गाइस आपको जो मतलब आपकी जो मिडिल फिंगर हो उससे जो आपको मतलब इसको क्लिक करने के लिए थोड़ा टाइम मिले जी गाइस, मतलब आराम से जो है इसको क्लिक कर सको बिना किसी उसके गाइस। मतलब अगर आप ऐसे करोगे तो आपके अंगूठे में दर्द फील होने लगेगा, पेन फील होगा। आपको करना था मिडिल फिंगर लेके थोड़ा सा और मतलब तो ये जरूर कर लेना गाइस। ये एकदम यूज कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। मतलब दोनों बटन दोनों पता ये मतलब कितनी खुद देख सकते हो गाइस। फ्लैट वर्ड बटन पर क्लिक कर आपको हल्का सा ड्रैग कर ओनली रेड प्रैक्टिस करनी है गाइस। प्रैक्टिस करनी है गाइस तभी जो है मतलब आप इसमें जो आप प्रैक्टिस करनी है ध्यान से गाइस। तो मतलब फर्स्ट टिप जो है हमारी खत्म हो जाती है। सेकंड है गाइस, आपको जो ड्रैग करना है गाइस, अगर आपको मतलब वाइट कॉर्नर से ड्रैग करना है, पहले आपको एम जो है मतलब वाइट कर लेना है और फिर जो इस तरीके से ड्रैग करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ कुछ, जैसे वाइट कॉर्नर का आपका जो है ऑटो है रेड नंबर जाएगा और वाइट करके मार सकते हो, वाइट करके मारते हो ये मतलब बाहर के सर्वर वाले पक्का करने में प्रैक्टिस कर रहे हो। मतलब गाइस मतलब जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। मतलब अगर आप मतलब डायरेक्ट ऐसे मारते हो तो आप बॉडी पे चिपका रह जाता है, अगर आप इस चीज को यूज करते हो तो गाइस आपको जो मतलब ऑटोमेटिक थोड़ा ध्यान से जो है मतलब कॉन्फिडेंस के साथ जो है आपको ये ध्यान रखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है और लेफ्ट फायर बटन रखना। जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ करके मार रहा हूँ, लेफ्ट फायर बटन का यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस थर्ड मतलब स्टेप जो आता है वो गाइस रोटेट, आपको रोटेट किस तरीके से करना है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका बंदा मतलब इस पोजिशन में मतलब कुछ इस तरीके से मतलब जहाँ से आपको कुछ इस तरीके से वाइट को एम करना है, लेफ्ट फायर बटन पर क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो मेरा फायर बटन को बंदा इधर साइड में तो आपको जब
होता है, इसमें सेंसिटिविटी होती है, इसमें अगर मेरे मतलब गाइस कर लेता हूं गाइस, लेकिन गाइस फील होता है और आप बंदे के सामने आकर ये चीट करते हो तो गाइस आपको जो वन टैप का जो चांस है इसको आप यूज करके देख सकते हैं गाइस, आप जो मतलब जब उसे यूज कर लेंगे। फोर्थ स्टेप जो आता है वो है गाइज आपका मतलब मूवमेंट, आपको कैसे इंक्रीज करना है मूवमेंट स्क्रीन इंक्रीज कर लेंगे नहीं, आपको करना है डिकोरी ग्रेनेड जो होते हैं गाइज आपके मतलब जो आपके डिकोरी ग्रेनेड होते हैं ये वाले, तो डिकोरी ग्रेनेड को आपको करना है बैग में जो भर लेना, बैग में भरने के लिए आपको करना है इसे कुछ तरीके से साइड में लगा देना है, एक एक करके साइड में लगाना है गाइज, इसमें जो आपको मूवमेंट करने के साथ साथ इस मतलब छोड़ना है, तो आपका इससे क्या होगा आपका मूवमेंट भी जो हो जाएगा वो भी है तो इससे जो आपका मूवमेंट भी जो है बहुत ओपी तरीके से निकलने लगा, जो आपका एम नहीं बैठा प्रैक्टिस करते रहे प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है आपको यही है प्रैक्टिस में आपको मतलब करनी है बता रहा हूँ, बाकी सब जो है मतलब करना है बाकी सब करना है गाइस नहीं सिखाऊंगा, मतलब मैंने आपको बता दिया भाई आप सीखना चाहते हो तो करना आपको पड़ेगा, जी ये बात याद रखना करना ही आपको पड़ेगा। तो भाई ग्लू वाली अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है फास्ट ग्लू वाला नंबर है तो वो जाकर वीडियो देख लो मेरी, तो डिस्क्रिप्शन में जाएगा यहाँ पे मेरे चैनल विजिट करके वो फर्स्ट वाली वही जो है वो भी मतलब बहुत चीज़ सीखने को मिल जाएगी, जा भाई वीडियो को भी जो जाके सब्सक्राइब भाई थोड़ा सपोर्ट दिखा दो गाइस, तो गाइस आज की वीडियो से इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।